ए वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 900 कंडी। हम लोग यहाँ अपने होटल वैत्री से चेकआउट कर रहे हैं। हम लोग वहीं जा रहे हैं, अराउंड एक घंटे का रास्ता है और वहाँ पे हमको जीप लेनी पड़ेगी ऑफ रोडिंग के लिए। और ऑफ रोडिंग के बाद वो ग्लास ब्रिज है वहाँ पर हम लोगों ने उसको देखना है। ब्रेकफास्ट वगैरह कॉम्प्लीमेंट्री था, हम लोगों ने कर लिया है। रात का डिनर यहाँ पे अवेलेबल नहीं था तो हम लोग को बाहर जाकर के लेना पड़ा, विच वॉज सैड। और ज्यादातर यहाँ पर नॉन वेज मिलता है, सैटरडे को हम लोग जाते हैं वेजिटेरियन, तो फिर थोड़ी सी हम लोग को प्रॉब्लम हुई, लेकिन ठीक है, अब ये सब तो चलता रहता है, थोड़ा बहुत एडवेंचर तो होना ही चाहिए ना ट्रिप के अंदर, तो हम लोगों ने एडवेंचर ले लिया। अब चलते हैं आगे का नज़ारा देखते हैं। सो गाइस, ये हम लोग जा रहे हैं अपने होटल से, बस निकल रहे हैं, और ये रहा थोड़ा सा व्यू, नीचे टी गार्डन है और टी गार्डन से क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। ये सीधा प्रसारण चल रहा है आपके चाय के बगानों से, और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा चाय के बगानों की तरफ ऊपर जा करके और पिक्चर। तो ये चाय के बगानों में बिल्कुल आ गए। इससे पहले जो मैंने अटेम्प्ट किया था वो थोड़ा सा अनसक्सेसफुल हो गया था, क्योंकि भाई नीचे गिर गया, हाथों में ये देखिए निशान अब तक पड़े हुए हैं, जो गवाही दे रहे हैं कि मैं गिरा था। और मेरी निक्कर पे देखिए, निक्कर पे भाई साहब, निक्कर पे भी दाग लग गए और निक्कर भी नहीं छूट पाई। बहुत ही बढ़िया व्यू है, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। तो अब हम इस व्यू को थोड़ा इंजॉय करते हैं, होप आप लोगों ने भी किया होगा। आपको थोड़ा सा आगे से भी इंजॉय करवा देता हूँ। गाइज, हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं पार्किंग में, कोई मीनाक्षी टी शॉप है। और गाड़ी हम लोगों ने पार्क कर दी है, फॉर्चुनेटली फ्रंट में ही हम लोगों को पार्किंग मिल गई है। और यहाँ से एक जीप भी हम लोगों ने बुक कर ली है, सो बेसिकली थोड़ा बहुत नेगोशिएबल होता है, यहाँ से हमने नेगोशिएट किया है, तो 1100 में मान गए हैं लेके जाने के लिए हम लोगों को। और एक दूसरी चीज़, अभी अगर मानसून का सीजन है, बारिश बहुत हो रही है, तो यहाँ पे आपको रेनकोट या अम्ब्रेला चाहिए होगा। बारिश थोड़ी कम है लेकिन ऑन एंड ऑफ बहुत तेज और कम हो रही है, तो यहाँ से हम लोगों को ऑलमोस्ट 100 रुपीज का एक प्लास्टिक का रेनकोट मिल रहा है, विच इज यूज एंड थ्रो वाला। सो अगर आप लोग के पास अम्ब्रेला है तो प्लीज लेकर के आइए, नहीं तो आप अपने पॉन्चोस भी लेकर के आइए, तभी आप लोगों का काम चलेगा। सो चलिए फिर यहाँ से आगे का देखते हैं। जीप की जर्नी होगी, थोड़ी ऑफ रोडिंग होगी 5 किलोमीटर की ग्लास ब्रिज तक। अभी थोड़ी सी चाय भी लेते हैं। तो क्या हो रहा है खुशबू जी? चाय का आनंद लिया जा रहा है। शुगु, आप किस चीज का आनंद ले रहे हो? शुगी, उरे पो 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 पो, एक एक करके चाय पीते हैं, रुको, यहाँ रख रखे पीओ, यहाँ वो रखने की जगह हो जाएगी। क्या कर रहे हो के बाबू? कविश क्या कर रहे हो बेटा, घूम ही करने आए हो? चाय का आनंद उठाया जा रहा है और बस थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। जीप चल चुकी है हमारी, ये मेनका है, ये देखो कविश बाबू और हमारे सुमित जी, ये है खुशबू। तो भाई साहब, अब जो आगे की वीडियो में अब आप लोगों को दिखाता हूँ, और ये हमारे ड्राइवर साहब हैं बीजू भाई, जो बहुत ही एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं, यहाँ पे 20 साल से गाड़ी चला, किडिंग सर किडिंग। और यहाँ से ऑफ रोडिंग स्टार्ट है गाइस, यहाँ से बेसिकली मेन जीप वगैरह मिल रही है। अगली वाली जीप नहीं चल पाई तो थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम तो है, एंड इट्स नॉट इजी टू ड्राइव। ये देखिए दोस्तों, कैसे धुआंधार मूसलाधार भयंकर बारिश के बाद ये रोड से नालियां बहती हैं। ये ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस देने के लिए यहाँ के रोड पे काम नहीं किया गया है, तो यहाँ का काम हमारे यहाँ के रोड पे कर दो। देखना दोस्तों, बहुत जोर से झटका आएगा मोबाइल में, अगर धुंधला दिखा मतलब मोबाइल गया समीप की नाली में। गाइस, बहुत ही ज्यादा रास्ता खराब था, और बच्चे को लेके आना, अगर कोई लेकर के आ रहा है, मैं एडवाइस कम ही करूंगा बच्चों को लेकर के आने के लिए। और यहाँ पे आपको नॉर्मल स्किल से ज्यादा स्किल्स चाहिए। बाहर निकले एकदम से तेज शुरू हो गई बारिश, और हम लोग यहाँ पे अंदर रुके हुए हैं, ये छोटी सी कुटिया टाइप की बनी हुई, छाता उड़ जाएगा यहाँ पे, और रेनकोट में बच्चे को आप रख नहीं सकते, तो देखते हैं क्या करेंगे। मैं और सुगु पैक हो चुके और हम जा रहे हैं। गाइस, बच्चे को लेकर के आना थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा आप लोगों को संभल के रहना पड़ेगा। बच्चा किडनैपर गैंग, हम लोग ने बच्चा किडनैप कर लिया अपना। इज वंडरिंग कि
मुझे कहाँ पे लेके जा रहा है। हो गई है, मैं थोड़ा सा अपना हेड ऐसे कर लिया है कि मेरे बेटे को मैं छुपा लूं। इसको इसको थोड़ा सा कवर करूं ना, तो बारिश ज्यादा हो गई है। हाँ, तो गाइस हम अपने स्काई ब्रिज, फेमस स्काई ब्रिज की तरफ आ चुके हैं। गिम्बल मैं यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत जोर से बारिश हो रही है, बच्चा मैंने अपना छुपा लिया है। अब यार आई नो इट वॉज अ लिटिल बैड डिसीजन। ग्लास ब्रिज है, कसते मुझे तो बहुत बड़ा चुतियाप लगा, लेकिन जिनको पसंद है उनको पसंद है। दिस इज द आई गेस मेन अट्रैक्शन विच इज द ग्लास ब्रिज, स्काई ब्रिज सो कॉल्ड जिसको बोलते हैं। मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। ये है व्यू जिसके लिए दुनिया रहती है बावली। और बहुत ही बारिश, मौसम बड़ा ही खराब। ये हमारी जनता खड़ी है जो पीले रेनकोट में, हमारे पीले और हरे में हमारे वाले। एक्टिविटीज हैं काफी सारी हैं, बट हम लोग खाली यही करेंगे। ये देखिए गाइज, मतलब इट्स नॉट दैट, डर तो लगता है गाइज, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता। डर तो लग रहा है यहाँ पर। ये है यहाँ का 360 व्यू। ये ब्रिज शेक कर रहा है यहाँ पे, तो डर लग रहा है थोड़ा सा। हम दोनों साथ में खड़े हैं। मौसम बहुत ही खराब है, बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है। ब्रिज पे जाकर के आप लोगों को अपना रेनकोट उतारना पड़ेगा या छाता हटाना पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब जैसे मेरी पिक्चर आई है वैसी आएगी बेकार सी। गाइज ये हम लोग वैथरी पहुंच चुके हैं, जहाँ पे हमने कल स्टे किया था। यहाँ से 1.5 किलोमीटर के दूर पे ही है। आज संडे है तो मार्केट बंद है। बड़ी मुश्किल से हम लोग को दुकान मिली है जहाँ से कल रात को हमने खाना पैक करा था। फाइनली वहीं पे आकर के दोबारा हम लोग खाना खा रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो गया कि जिस जीप में हम लोगों ने ऑफ रोडिंग करी थी, हम लोग ग्लास ब्रिज तक गए थे, उसी के अंदर हमारा गिम्बल छूट गया है। तो अब यहाँ से 1 घंटा जाने का लगेगा, 1 घंटा आने का लगेगा, 2 घंटा हो गया है, और थोड़ा सा मुश्किल है यार। लेकिन अब लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है, किसी को बोल भी नहीं सकते कि वहाँ से यहाँ भिजवा दे, कोई यार हो बंदा वापस दे या ना दे, क्या करेंगे। फिर अभी हम लोगों ने डिसाइड किया फटाफट लंच करते हैं, वापस जाते हैं, फिर रात को यहीं पे स्टे करेंगे, या देखते हैं अगर हम कोयम्बटूर जा सकते हैं तो कोयम्बटूर जा करके कल रात तक हम लोग वापस बैंगलोर पहुँच जाएंगे। तो उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए फिर इस वीडियो को क्लोज करते हैं, क्योंकि अब मेरे को जाना है, फिर वापस आना है सामान लेकर के, और एक नया वीडियो फिर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग। एंड या, अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज लाइक करें। ऐसी वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि फ्रीक्वेंटली बनाता रहूं, बहुत टाइम से बनाई नहीं थी, तो आप लोगों का भी मन लगेगा। फिलहाल बहुत ज्यादा बारिश हो रही है केरला के अंदर, इतना बुरा हाल है। अगर आप मेरे पीछे पीक्स देखेंगे, पीक्स में मतलब बहुत ही कम दिख रहा है, और इवन इंटरनेट के ऊपर भी अलर्ट है कि कर्नाटका, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी बारिश हो रही है। तो कोई नहीं, बारिश का मौसम है, अवॉइड करिए इस सीजन में। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से देखना है चीज़ों को, अवॉइड करिए रेनी सीजन में आना, मॉनसून में आना, बाद में आइएगा। मैंने ठीक है, मैं आ गया, थोड़ी गलती कर दी, बट इट्स ऑलवेज बेटर। इनकेस अगर आपको होटल में, रिजॉर्ट में ही रहना है, देन यू कैन कम, अदरवाइज फिर आप एडवेंचर इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। चलिए फिर, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। तो भाई साहब फाइनली ये भाई साहब हैं, बीजू भाई साहब जो मैंने तो भाई गिम्बल वापस मिल गए, अपनी गाड़ी पकड़ते हैं, और अब लेट तो हम बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन हम निकलते हैं गिम्बल लेकर के। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।